नमस्कार, आप देख रहे एलआर भारत में हूं राकेश। देश भर में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के मूल्यों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का बिहार से लेकर झारखंड तक प्रदर्शन देखा गया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और मोदी सरकार का पुतला भी फूंका गया। आपको ये बता दें चले कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमतों पर देश भर में प्रदर्शन लगातार चल रहा है। विपक्षी पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने कारगिल चौक पर जमकर आज प्रदर्शन किया, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाहनों को हाथ से खींचकर भी अनोखा प्रदर्शन दिखाया। रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश बैठा जी के अध्यक्षता में भी प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री की उपस्थिति में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में राजभवन रांची के समीप एक दिवसीय धरना भी दिया गया। वहीं प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने पेट्रोलियम, गैस सिलेंडर और जरूरी सामानों के दाम में बेतहाशा वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं दुमका जिला कांग्रेस कमेटी भी प्रदर्शन में शामिल रहे। हमारी मांगे है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ के दाम पिछले 25 दिन में 4 रुपये 24 रुपये पेट्रोल पर और डीजल पर 4 रुपये 84 पैसे बढ़ाए गए, 200 रुपये गैस पर बढ़ाया गया, सरकार वापस ले। ये जनता त्रस्त है, ये महंगाई क्यों बढ़ा रहे हैं इसका जवाब दे सरकार। क्या कारण है कि बेतहाशा वृद्धि हो रही है लगातार? मोदी ये कहते अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी को ये जवाब देने चाहिए कि जो 2014 में 91 रुपये बैरल पेट्रोलियम पदार्थ था, $91 प्रति बैरल, और आज 63 रुपये प्रति बैरल है। उस समय पेट्रोलियम पदार्थ का जो दाम था वो 71 रुपया था, 57 रुपये डीजल था। आज जब घट गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थ का, तो ये 100 रुपये पेट्रोल कर दिए हैं, 90 रुपये के लगभग डीजल कर दिया। बिल्कुल, शशि रंजन अध्यक्ष पटना महानगर जिला कांग्रेस। तो पूरे देश भर में ये प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि आज बिहार और झारखंड में ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का ज़्यादातर देखा गया, जहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और देश भर में जो पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है उसे कम करने की मांग की गई है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहिए एलआर भारत। नमस्कार।